वेलकम बैक दोस्तों। सबसे पहले आपको दिवाली की शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ मार्केट में पहुँची हूँ जहाँ पर दिवाली की सेल लगी है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सेल पर लगी हैं दिवाली स्पेशल पे, जहाँ पर दिए हैं, चूड़ियाँ हैं, फुटवेयर हैं और बहुत सारा सामान अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखने आई हूँ और यहाँ बहुत अच्छा माहौल बना है दिवाली की सेल में, शॉपिंग में। उम्मीद है कि आप सब शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन शॉपिंग के साथ अपना मास्क लगाना मत भूलें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मत भूलें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको वे नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो आज मैं बना रही हूँ दम की सेवाएँ, बहुत ही आसान तरीके से बनाकर दिखाऊंगी मैं इसको। तो सबसे पहले हम सेवई भून लेंगे। इसके लिए लिया है मैंने एक कढ़ाई, इसमें मैंने डाला है एक बड़ा चम्मच घी। इसमें मैंने डाल दिया है दालचीनी, सिनेमन का टुकड़ा और दो लौंग। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम सेवई। इसको अच्छे से भून लें। सेवई को घी में अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी। सेवई कई बार थोड़ी मोटी होती हैं, थोड़ी पतली होती हैं, तो उसके हिसाब से आप पानी डालें। सेवई अच्छे से पकना चाहिए। इसका पानी पूरा अब्जॉर्ब होने देते हैं। देखिए सेवई भी अच्छे से पक गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप चीनी, यानी 150 ग्राम चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ। सारी चीनी घुलने तक इसको पका लें। चीनी अच्छे से घुल गई है, अब ये तैयार है। अब मैंने इधर लिए हैं कुछ ड्राई नट्स, इसमें लिए हैं मैंने बादाम, पिस्ता, काजू, ड्राई कोकोनट को मैंने ग्रेट करके रख लिया है और इस साथ ही इसमें इस्तेमाल करूंगी घी का। मुझे इसी तरह से सर्व करना पसंद है सेवई को। तो मैं एक बाउल लेती हूँ, उसमें मैं पके हुए सेवई जो है वो मैं डाल रही हूँ नीचे। उसके बाद मैं डाल दूँगी ड्राई नट्स जो मैंने काट कर रख लिया है, स्लाइस कर लिया है मैंने स्लाइसर में। इसको थोड़ा थोड़ा डालकर आप सजाते जाएं। काजू, बादाम, पिस्ता और सूखा नारियल जो ग्रेट किया है, और इसके ऊपर मैं डालूंगी घी। फिर इसी तरह से मैं डालूंगी फिर से सेवई। फिर ड्राई नट्स, इसी तरह से आप सारे सेवई डाल लें एक बाउल में। ये देखने में भी बहुत बढ़िया लगती हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। ये देखिए सारे समय मैंने बॉल में डाल लिया है, बचे हुए ड्राई नट्स मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया लग रहे हैं।
तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और मज़ेदार से रेसिपी के साथ। टिल देन।